वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रंजना एंड यू आर वाचिंग रंजना ओरा। सो गाइस, जैसा कि थंबनेल आपको सजेस्ट ही कर रहा होगा कि आज की वीडियो होने वाली है नायका हॉल वीडियो। सो वीडियो करें शुरू, बट उससे पहले माय लवली सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, वीडियो को रिस्पॉन्स देने के लिए। सो गाइस, मैंने नायका से बाय किया है बहुत सारे कॉस्मेटिक्स, इसमें स्किन केयर भी है गाइस, उसके साथ साथ कुछ हेयर केयर्स भी है एंड मेकअप तो है ही है। सो गाइस, सारे प्रोडक्ट कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आए थे जिनको मैंने हटा लिया है एंड सारे प्रोडक्ट्स को मैंने अपने आजू बाजू रख लिया है। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं एंड इनका मैं रिव्यू के साथ साथ, गाइस बहुत क्विक रिव्यू होगा, उसके साथ साथ मैं प्रोडक्ट की यूटिलिटी भी बताऊंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, वीडियो में मैं जितने प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ ना, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, उनकी बाय लिंक है। एंड बाय द वे गाइस, मैं कोई बहुत ज्यादा सीक्वेंस नहीं रख रही हूँ, रेंडम सारे प्रोडक्ट आपको दिखाने वाली हूँ। सो सबसे पहले गाइस, जो मेरे हाथ में प्रोडक्ट आ रहा है वो है ब्रशेस। यस गाइस, अगर आप आई मेकअप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो कलर बार के ब्रशेस गाइस सबसे ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। इवन जो भी बिगनर है ना, उनको सबसे पहले इन वाले ब्रशेस को एक ट्राई जरूर देना चाहिए। गाइस, जितने भी प्रोडक्ट है ऊपर मैं सभी की प्राइसिंग दे दूंगी, तो आप उनको वहां से चेक कर सकते हैं। सो सबसे पहले गाइस, ये मैंने आई ब्रशेस लिए हैं आई मेकअप के लिए। इसमें सभी चीजें हैं, बेसिक जितने भी ब्रशेस होते हैं वो सारे हैं, लाइक ब्लेंडर है आपका, और दूसरी चीज पैटिंग ब्रश भी है एंड ब्लेंडिंग ब्रश भी है, टेपर्ड ब्रश भी है, तीन ही है गाइस। ओके, नाउ नेक्स्ट गाइस, ये कलर बार का की ब्लशिंग है। ये गाइस ब्लश वाला ब्रश है, मेरे पास ये नहीं था, एक था वो बहुत ज्यादा पुराना हो चुका था, सो मैंने कहते हैं इसको रिस्टॉक किया है। नाउ नेक्स्ट, ओके, सो गाइस, जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना वो हिप हॉप स्किन केयर है, वो है ये। गाइस क्या ना, जो हमारे नोज पे ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड होते हैं ना, उनके लिए स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट आता है। एंड गाइस, मैंने इसके बारे में बहुत अच्छा सुना हुआ है, मतलब ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, दैट्स वाई मैंने इसको परचेज किया है। प्राइस अगेन गाइस ऊपर है। जितने भी हमारे मेरे टीनेजर्स है ना, उनको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उनके जो ब्लैक हेड्स होते हैं ना वो इससे बहुत अच्छे से निकलेंगे। गाइस, आप इसको एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। सो ये है गाइस मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। बाय द वे, मैंने इसकी दो पैकेट बाय की है, अभी मेरे पास एक ही दिख रही है। ओके, कम टू द नेक्स्ट। ओके गाइस, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो लैक्मे का 9 to 5 है, आई थिंक सभी इससे अवेयर होंगे। गाइस, जब भी हमें जल्दी जल्दी में मेकअप करना होता है ना, तो उस टाइम के लिए बेस्ट होता है। मैंने अगेन इसको रिस्टॉक किया है एंड रीस्टॉक का रीजन है गाइस ये कि इसको मैंने बाय किया था 335 में, मतलब कि 335 रुपये इसका प्राइस था, बट करंटली ये मुझे 299 में मिल रहा है, इसलिए मैंने इसको तुरंत रीस्टॉक किया। अभी मेरा पहला वाला है, इसलिए मैंने इसको बाय कर लिया। नाउ गाइस, कम टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। गाइस, ये मुझे बहुत ज़्यादा मन था ट्राई करने का एंड बहुत क्यूट पैकेजिंग में गाइस ये आया है। ये है इनसाइड का ड्रामेटिक वाटर प्रूफ आईलाइनर। आईलाइनर गाइस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लुक पैकेजिंग बहुत ब्यूटीफुल है गाइस। कुछ प्रोडक्ट की मैंने पहले ही आपको कुछ शेयर किया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट बाय किए थे गाइस, और मुझे ना कुछ ऐसे मिला जैसे 10 प्रोडक्ट आज मिल गया है, 5 कल मिल गया है, बट मैंने जितने भी मेरे अभी हैं उन सभी का मैं आज आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। ओके, सो ये है गाइस इनसाइड का आईलाइनर एंड ये बहुत ज़्यादा रीजनेबल भी है गाइस, आप प्राइस चेक कर सकते हैं। एक तो इतनी क्यूट इसकी कहते हैं पैकेजिंग है, इनर पैकेजिंग भी, आउटर पैकेजिंग भी, और दूसरी चीज़ ये प्रोडक्ट भी मुझे अच्छा लगा है। मैंने एक बार इसको अप्लाई किया था, मुझे एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, मतलब जो आपके एलिटीन और लैक्मे वगैरह के आते हैं ना, मतलब उनको टक्कर देता हुआ ये प्रोडक्ट है, मुझे अच्छा लगा ये। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब गाइस नेक्स्ट है, ये है नायका की लिपस्टिक। ओके लुक गाइस, तो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में थी। लुक गाइस, ये इतना ब्यूटीफुल कलर है ना, एंड इसका जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा है ना वो इसका एप्लीकेटर है गाइस। बहुत कन्वीनियंट है गाइस एप्लीकेटर, एंड कुछ इस तरह की ये पैकेजिंग में है। इसको गाइस ऐसे करके निकालेंगे, बहुत ट्रैवल फ्रेंडली इसकी पैकेजिंग है गाइस, और ये कलर तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। नाउ गाइस, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, सो गाइस नेक्स्ट इज नायका बुलेट लिपस्टिक। गाइस, इसकी मैग्नेटिक पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। लुक, अब आई डोंट नो कि ये मेरे पास इतना ढेर सारा होगा, ये मैंने पहले ही बाय कर रखा था एंड ये रेड अगेन आ गया है। ओके, सो ये था गाइस लिपस्टिक, एंड लिपस्टिक में गाइस मैंने एक और लिपस्टिक बाय की है, हालांकि ये लिपस्टिक मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस तो नहीं कर पाई। ये है गाइस शुगर की स्मस्ट मी मैट लिपस्टिक। प्राइस की वॉइस गाइस, अगर प्राइस वॉइस मैं बताऊँ तो मुझे इस प्राइस में और भी अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं,
वैसे इसका कलर वगैरह अच्छा है, तो आप चाहें तो एक बार मतलब मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगी, आई मीन आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, ओके ओके टाइप का प्रोडक्ट है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि ये खराब है, दे रही हूँ। ओके सो नाउ गाइज कम टू द नेक्स्ट लुक। अब बहुत बार ऐसा होता है ना, ये है गाइज वाओ स्किन केयर का सनस्क्रीन। अब गाइज गर्मियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, सनस्क्रीन तो हर मौसम में लगाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम अपने चेहरे पे बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं चाहते हैं, मतलब मैं अपने चेहरे पे बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं चाहती, एंड गाइज ये है सनस्क्रीन, वो भी स्प्रे बॉटल। तो गाइज ये कुछ इस तरह के आते हैं, एक बॉटल मैं इसका यूज़ कर चुकी हूँ, बड़ी ही रिफ्रेशिंग फीलिंग आती है। जैसे हम टोनर यूज़ करते हैं, स्प्रे वाला स्पेशली लैक्मे वाला याद दिलाता है मुझे ये। इसकी स्मेल की बात करें तो बहुत ही मतलब रिफ्रेशिंग, एक संतरे वंतरे वाली स्मेल आती है, लाइक दैट। मैं बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं बता पा रही हूँ, एक फ्रेश फीलिंग जो होती है वो देता है ये। सो मुझे ये ओवरऑल बहुत अच्छा लगा है गाइस। इसको जब भी यूज़ करना होता है ऐसे हल्के से शेक कीजिए एंड देन स्प्रे करिए। सो ये है गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट, एंड बाय द वे गाइस ये मैंने रीस्टॉक किया है। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज गाइस हम सभी के लिए, मैंने ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड के कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्ट इस बार बाय किए हैं। ये है गाइज वाओ स्किन केयर का एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ फेस मास्क। ओ गाइज इसका ना मैंने अभी बहुत जल्दी में आपके आपके साथ रिव्यू एंड डेमो भी शेयर किया है, तो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक भी दे दूंगी, तो अगर मेरा आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा उसको डेफिनेटली चेक कीजिएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट मुझे कितना पसंद आया है। ओके सो ये है गाइज पील ऑफ मास्क। हम अपनी स्किन का कितना भी केयर करें ना, बट पील ऑफ की हमें जरूरत पड़ती ही है। हो सकता है हमें 4 महीने 5 महीने, बट इससे बहुत अच्छा सा चेंज दिखता है स्किन में। सो ये है गाइस नेक्स्ट। ओके अब नेक्स्ट प्रोडक्ट इज गाइस के ब्यूटी का प्रोडक्ट है, जिसका कैटरीना जी करती हैं वो, मतलब इसका एडवर्टाइजमेंट कैटरीना जी करती हैं। के ब्यूटी के प्रोडक्ट मैंने सुने हैं गाइस अच्छे हैं, हम इतने सारे प्रोडक्ट ट्राई करते हैं तो के ब्यूटी का भी कर लेते हैं। गाइस ये ना बड़ा अफोर्डेबल है, मतलब मीडियम रेंज का प्रोडक्ट है। वैसे मेरा जो पॉपुलर क्या मेरा जो फेवरेट काजल है वो फेसिस कनाडा का है, बट मैंने फिर भी ये कहते हैं कोल बाय किया है। एंड गाइज इसके बारे में मैंने जो सुना है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत लंबा लॉन्ग लास्ट करता है। सो या गाइज बहुत सारे लोगों ने इसके अच्छे रिव्यूज दिए हैं, मैं भी इसका रिव्यू दूंगी डेफिनेटली। सो ये है गाइज के ब्यूटी का काजल, ये मीडियम रेंज का काजल है, इससे बेटर काजल है फेसिस कनाडा का, मैं पहले ही बता रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये काजल खराब है, बट वो मुझे सुपर एफोर्डेबल, और गाइज वो मेरी सारी चीज़ों को फुलफिल करता है, लॉन्ग लास्ट करता है, आंखों पे बहुत अच्छे से रहता है, स्मच नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो आप चाहें तो फेसेस कनाडा का काजल बाय कर सकते हैं, हालांकि मेरे इस वाले में फेसेस कनाडा नहीं है, बट ऑलवेज मैं उसको बाय करती रहती हूँ। ओके सो गाइज नाउ कम टू द नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट प्रोडक्ट इज गाइज ये मामा अर्थ का C3 फेस मास्क है विद चारकोल कॉफी एंड क्ले। गाइस गर्मियाँ कुछ ही दिन में आ जाएंगी, नहीं गर्मियाँ हैं तो भी गाइस हम लोग इतनी ज़्यादा धूप सेक ले रहे हैं ना कि हमारे स्किन पहले से ही एकदम से गर्मी आने से पहले काले काले लग रहा है। सो ये मैंने बाय किया है गाइस, इवन मैंने इसको रीस्टॉक किया है, इसको मैंने ममाअर्थ का ये C3 फेस मास्क है विथ चारकोल कॉफी एंड क्ले। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना गाइस वो काफ़ी अच्छी होती है स्किन के लिए, इसलिए आप इसको एक बार ट्राई दे सकते हैं। ओके सो सॉरी गाइस, बाय द वे ये इसको मैंने रीस्टॉक किया है, इसको मैंने बहुत पहले यूज किया था बट पूरी बॉटल मैंने नहीं खत्म की थी। नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट। अब गाइस अगर आप ना कोई बहुत सस्ता सा प्राइमर देख रहे हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं, ये ना 3 in 1 है इसका फॉर्मूला, प्राइमर प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइजर तीनों चीजें हैं, तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है, प्लस ये रीजनेबल भी है गाइस, बहुत अफोर्डेबल है, एंड इस पे इसको 240 rupees ही प्राइस इस पे मेंशन है, एंड पैकेजिंग वगैरह काफी अच्छी है, आउटर पैकेजिंग भी काफी अच्छी है। तो यस गाइस 250 रुपये में, इवन ये कुछ ऑफर में भी आपको मिल जाएगा, तो आप इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ये है गाइस इनसाइड का प्राइमर। ओके सो ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब गाइस नेक्स्ट इज फेस वॉश। अब ये मुझे नहीं पता मैं इसको क्यों मैंने इसको बाय किया है गाइस, मैंने इसको इसलिए बाय किया है, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, बट समटाइम्स ना हमें ऐसा लगता है कि हमारी स्किन पे ना बहुत ज़्यादा मतलब डेड सेल्स हो गए हैं, तो उन डेड सेल्स के लिए ना आपको इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, देन आप अच्छे से आइडिया ले पाओगे। इसमें कई सिलिकॉन ब्रश ब्रश मिलता है जिससे आप बहुत अच्छे से ना बहुत अच्छे से अपने स्किन को स्क्रब कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट इस वाले स्क्रब का, इस वाले फेस
वॉश प्लस स्क्रब का यही है। एंड मैंने इस बार बाय किया है एप्पल साइडर विनेगर वाला, क्योंकि स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। एंड ये वाओ स्किन साइज का है, ये ब्रांड भी मुझे कुछ जेन्युइन लगते हैं, इसलिए मैंने इसको बाय किया है। नेक्स्ट थिंग गाइस, इसका ना इसको ना मैं ये नहीं कहूंगी कि ये आप अगर रेगुलर यूज करोगे तो ये कितने दिन चलेगा। फिलहाल ये मेरे से पता नहीं क्यों बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो अगर आप भी खूब ढेर सारा फोम यूज करने वाले हैं ना तो ये बहुत जल्दी आपसे भी खत्म हो जाएगा। बट ये थोड़ा सा ना मुझे 400 में मिलता है गाइस, ये ना बहुत सस्ता है और ना ही बहुत महंगा है। सो ओके, कम टू द नेक्स्ट। अब गाइस नेक्स्ट इज माय कॉम्पैक्ट, ये है नायका स्किन जेन्युइन स्किन परफेक्टिंग एंड हाइड्रेटिंग कॉम्पैक्ट फॉर्मुलेटेड इन इटली। ओके, इसकी जो कहते हैं नेट क्वालिटी है वो 9 ग्राम है। एंड गाइस नायका का मुझे ये फाउंडेशन चेक करना था, बेसिकली मैं कुछ और बाय करने वाली थी, मुझे ना एक उनका फाउंडेशन कॉम्पैक्ट आता है मुझे वो बाय करना था। एंड आई डोंट नो कि ये क्यों बाय हो गया मुझसे। लुक ये कुछ ऐसा है, इसमें आपको मिरर भी देते हैं, प्रोडक्ट है, देन कहते हैं इसमें आपको एप्लीकेटर भी मिला है विच इज़ टू गुड। यस गाइस, तो ये है एंड प्राइस आप देख ही रहे होंगे। सो यस, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज नायका का ये प्रोडक्ट स्किन परफेक्टिंग हाइड्रेटिंग जो भी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ओके सो गाइस, अगर आप आई मेकअप में बिगनर हैं, टीनेजर हैं, तो ये वाला पैलेट आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत अमेजिंग पैलेट मुझे लगा है। इसका सिर्फ एक कलर, बाय द वे मैंने इसी को आज यूज किया है, एक इसका गाइस जो कलर है ना शिमरी वाला, बस वही मुझे कम पसंद आया है, बाकी तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। लुक गाइस इसका कितना ब्यूटीफुल, इसकी पैकेजिंग है एंड एवरीथिंग, मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखाती हूँ। लुक, एंड इसमें यह मिला रहता है, शायद सेफ्टी के लिए है। एंड इसमें भी आपको मिरर मिलता है विच इज टू गुड। छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा कहते हैं फ्रेंडली है गाइज, आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं विच इज टू गुड। नाउ गाइज नेक्स्ट इज, मैं इस लिपस्टिक की बात इसलिए कर रही हूँ, ये है गाइज इनसाइड की लिपस्टिक, ये है इसका कलर गाइज, कुछ रेड का है। आपने अगर रूबी वू यूज किया है गाइज, मैक की जो रूबी वू आती है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ इसका फॉर्मूला उससे है, हालांकि ये इतनी सस्ती है वो इतनी महंगी है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे ये रेड लिपस्टिक अपने लिप्स पे बहुत परफेक्ट लगती है। एग्जैक्टली रोज की पंखुड़ियों का जो कलर होता है, या कह लीजिए जब वो लगी रहती है तो जो शेड देती है ना रेड का, ये वही है। बहुत ब्यूटीफुल मुझे लगा है ये, एंड मुझे इसको ट्राई भी करना था इसलिए मैंने इसको बाय किया है। जो कलर यहाँ पर दिया रहता है वही कलर है, इसकी ओवरऑल पैकेजिंग कुछ इस तरह की है। ओके सो गाइज, हम यहाँ पे खत्म करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ हेयर केयर के लिए मैंने ये प्रोडक्ट बाय किए हैं। ये है गाइज नीम पाउडर। नीम पाउडर आपको पता है कि आपकी स्किन की आपके हेयर की जो स्कैल्प होती है उसको ये बनाती है हेल्दी, सो आपके बाल भी हेल्दी होंगे, इसलिए मैंने नीम पाउडर बाय किया है। एंड नेक्स्ट गाइज मैंने बाय किया है जिलेटिन पाउडर, जो कि आप सभी को पता है कि जिलेटिन यूज किया जाता है पील ऑफ के लिए, तो मैंने आपको बताया ना पील ऑफ के लिए मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट बाय किए हैं। ओके सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब गाइज अगर मैं इसको ये ना दिखाती ना, तो ये वाला बॉक्स नहीं दिखाती, तो शायद नायका का जो ये पूरा हॉल था ना वो अधूरा रह जाता। ये है नायका का लग्जरी बॉक्स। बाय द वे गाइज, मैंने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में जब मैंने मुझे ये रिसीव हुआ था ना तभी मैंने दिखा दिया था, बट जो व्यूअर आज न्यू है उनको ये नहीं पता होगा। सो ये है नायका का लग्जरी बॉक्स, जो महंगे ब्रांड्स के प्रोडक्ट आते हैं उनकी पैकेजिंग ये इसमें देते हैं। सो ये है, एंड इसमें मैंने गाइज बेनिफिट के प्रोडक्ट्स बाय किए हैं, ये बहुत मुझे पसंद आया गाइज, मैंने आज इसी को अप्लाई किया है। बाय द वे ये आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैं कैमरे से काफ़ी दूर बैठी हूँ, बट इसकी पैकेजिंग वगैरह बहुत अच्छी है। ये इसका नाम कुछ सनवर्क मैं नाम दे दूंगी, बड़ा सनी सनी सा इसका नाम है। एंड जो इफेक्ट देता है गाइज, ये ना एक पॉलिश्ड ब्लश के साथ एक पॉलिश्ड लुक देता है विच इज टू गुड टू गुड टू गुड। सो ये है गाइज मेरे नायका के लक्स बॉक्स से लग्जरी आइटम। सो या गाइज, ये था मेरा नायका का हॉल, आई होप कि ये हॉल आपने इंजॉय किया होगा। गाइज कोई भी प्रोडक्ट आपको बाय करना है डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज 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 सपोर्ट टू माई चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बटन को हिट कर दीजिएगा। नाउ मैं रंजना करती हूँ साइन ऑफ, मिलती हूँ आपसे अनदर वीडियो में, टिल देन लव यू गाइज, ऐसे ही प्यार मेरे चैनल पर बनाए रखिए, बाय बाय।